सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारे दिए गए लेवल्स को फॉलो किया है तो आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल था। चलिए देखते हैं कैसे। आज हमने दो ट्रेड्स दिए ऑप्शन बाइंग में। मैंने आपको बताया था कि हम ऑप्शन बाइंग पर भी फोकस करने वाले हैं, और इंडेक्स ऑप्शन बाइंग में हमने दो ट्रेड्स दिए थे जहाँ पर हमने एक में 15% का रिटर्न बुक किया, और एक जो हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था 3 PM मूव के लिए, वो मूव हमने कैप्चर कर लिया पूरा, और वहाँ पे हमें 114% का रिटर्न मिला है ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड। तो चलिए देखते हैं अभी कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। मैंने आपको अपडेट दिया था कि निफ्टी के अंदर जिन लोग की एंट्री यहाँ पे हो गई है वो एंट्री लेके चल सकते हैं, या तो वो कहीं पे हाई पे ही था तभी जब मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वहाँ पे बुक कर लिया है तो बेस्ट है, अगर बुक नहीं किया है तो आप कल के लिए भी होल्ड कर सकते हो। कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो एंट्री पॉइंट्स है ये सब ऊपर टारगेट्स भी अचीव हमें दिखने को मिल सकते हैं, तो हमारा कल एक टारगेट हिट होने के चांसेस है। ऑलराइट, आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है मार्केट्स में, और एकदम बॉटम से वी शेप रिकवरी करके मार्केट ने एक ऊपर रिवर्सल दे दिया हमें। देखते 15 मिनट्स पर, ये देखिए एकदम बॉटम से मार्केट ने हमें एक वी शेप रिकवरी दे दिया। ऑलराइट, तो ये एक अच्छा मूव था आज मार्केट में। अब हमारी एंट्री यहाँ पे कैसे होगी मैं आपको समझा देता हूँ। अब हमारी एंट्री कल के लिए ये पॉइंट हो जाएगी, जो लोग कल इस ट्रेड को ले गए वो लोग के लिए एंट्री बनेगी 19,654 के ऊपर विथ प्रॉपर प्राइस एक्शन, और जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो लोग के लिए वो फर्स्ट टारगेट रहेगा। ऑलराइट, चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हमारी एंट्री होगी अबव द लेवल ऑफ 19,609 जो आज थी, जो आज हमने ले ली। ऑलराइट, जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया कल के लिए ये टारगेट के लिए वेट कर सकता है। जो हमारी एंट्री होगी कल की वो होगी 19,654, और ये वही हमारा टारगेट था, टारगेट है जो आज ये ट्रेड के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो ये हमारा टारगेट वन हो जाएगा, वरना ये एंट्री पॉइंट हो जाएगी। ऑलराइट, और ये हमारा टारगेट वन कल के लिए जो होगा वो होगा 19,710 का, टारगेट टू जो होगा वो होगा 19,765 का। अभी मैं आपको टारगेट थ्री भी बता देता हूँ कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। ये हमारा टारगेट थ्री हो जाएगा कल के लिए। ऑलराइट, तो ये है लेवल्स निफ्टी के अपसाइड के लिए। डाउनसाइड में हमारी एंट्री कब बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी 19,481 के नीचे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं एंटर नहीं करूँगा। ऑलराइट, फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 19,432 का, सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 19,381 का, और थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,318 का। ऑलराइट, अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए। बैंक निफ्टी में आज हमारा कोई मूव ट्रिगर नहीं हुआ, हमारे एंट्री पॉइंट से ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो ये लेवल्स का इंपॉर्टेंस भी आप समझिए कि ये लेवल्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, और हमारी एंट्री पॉइंट सेम रहेगी, हमारे टारगेट्स भी सेम ही रहेंगे। मार्केट ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, तो इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना है जहाँ पर हमें फ्रेश बायर्स या फ्रेश सेलर्स मिले मार्केट में। ऑलराइट, तो हमारी अपसाइड में एंट्री होगी 44,750 के ऊपर, हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 44,869 का, हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 45,105 का, और हमारा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 45,374 का। अपसाइड में हमारी स्ट्राइक प्राइस जो होगी एंटर करने के लिए वो होगी 44,700 की कॉल, सेम ही रहेगी जो मैंने आपको कल बताया था। ऑलराइट, ये हमारी एंट्री होगी, और डाउनसाइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री पॉइंट होगी 44,202 की, मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 44,042 का, मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 43,812 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 43,602 का। डाउनसाइड में मेरी स्ट्राइक प्राइस जो एंट्री के लिए होगी वो होगी 44,200 की पुट। ऑलराइट, चलिए ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब बात करते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में आज हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमें एंट्री मिली मार्केट में, और हमारा एक स्टॉप लॉस लेके गया। 5 मिनट्स में मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री कैसे मिली। हमें एंट्री मिली, एक रीटेस्ट मिला और उसका ब्रेकआउट भी मिला, और हमने एंटर किया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट लेके चला गया। ऑलराइट, तो फिर निफ्टी में आज हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारे दिए गए लेवल्स के अकॉर्डिंग, और चलिए देखते हैं अभी इसमें कल के लिए क्या हुआ। वैसे कल के लिए भी सेम ही लेवल्स रहेंगे एंट्री के, जो है
अपसाइड में 19,874 के ऊपर मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,927 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,978 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 20,031 का। डाउन साइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके बिना मैं एंटर नहीं करूँगा। एंट्री पॉइंट मेरी होगी डाउन साइड में 19,681 की, फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 19,619 का, और सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 19,546 का, और थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,490 का। अच्छा, डाउन साइड में मैं स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेके चलूँगा, मैं लेके चलूँगा 19,700 की पुट, ऑलराइट। और अपसाइड में मैं एंटर करूँगा तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेके एंटर करूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होगी 19,850 की कॉल, ऑलराइट। तो मैंने आपको स्ट्राइक प्राइसेस बता दिए, एंट्री पॉइंट्स भी बता दिए, और कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो भी मैंने आपको समझा दिया है। देखते हैं कल मार्केट में ये प्लान ऑफ एक्शन वर्क करता है कि नहीं करता है, अगर नहीं करता है तो हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं किया, और प्लान बनाएंगे परसों के लिए जो है फ्राइडे। कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, हमारा फर्स्ट एक्सपायरी थी वेडनेसडे की बैंक निफ्टी के लिए, और उसमें हमें अच्छा मूवमेंट मिल गया है। तो कल के लिए शायद हमें अगर अच्छा मूवमेंट ना मिले निफ्टी के एक्सपायरी में, क्योंकि वॉल्यूम डिवाइड हो जाता है, जो हीरो जीरो कॉल्स बनते हैं वो जनरली अगर आज बन गया है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल शायद इतना बड़ा मूव ना मिले हमें, पर हम ट्राई करेंगे, अगर हमें मूव मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम वो ग्रैब करेंगे। ये लेवल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, और ऑप्शन बाइंग में मैं जैसे आपको कॉल्स टेलीग्राम हमारे प्रीमियम चैनल पर जो देते रहूँगा वहाँ पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ऑलराइट। पहले टारगेट पे मैंने आपको हमेशा बताया 50% ऑफ द क्वांटिटी आपको बुक कर लेनी है, उसके बाद आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आना है आपका रेस्ट ऑफ द 50% क्वांटिटी। तो अगर ट्रेड हम रिवर्स भी हो जाता है तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट में निकले ट्रेड में, आप लॉस तो ना ही करें। फर्स्ट टारगेट पे आपका प्रॉफिट कन्फर्म हो जाना चाहिए, वो प्रॉफिट आपको घर लेके ही जाना, ऑलराइट। तो देखते हैं कल के लिए ये लेवल्स मार्केट में काम करते हैं कि नहीं करते, अगर नहीं करते तो डिस्कस करेंगे क्यों नहीं किए, और बनाएंगे एक प्लान ऑफ एक्शन कल फ्राइडे के लिए। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।